जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑप्शन का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। उस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कल के दिन इस कंपनी के Q3 के नंबर आए हैं। हालांकि कल काफ़ी देर रात को आए, इसलिए कल इसके बारे में वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैं कि जो Q3 के नंबर आए हैं कैसे आए हैं इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि जो Q3 के नंबर आए हैं इसके बेसिस पर आने वाले समय में ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या हलचल हो सकती है, इसके शेयर प्राइस में और कितना तेजी देखने को मिलेगा, इन सभी मुद्दों पर एकदम विस्तार से बात होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप जो कंपनी है, अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 27.55 रुपये। और कल के दिन जब फ्राइडे था, जब मार्केट ओपन था, तो कल के दिन देख सकते हैं तकरीबन 1.5% से अधिक ही इसमें तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे वजह यह है कि आप देखेंगे पिछले एक सप्ताह में, तो पिछले एक सप्ताह में भी ये स्टॉक तकरीबन 6% के आसपास तेजी देखने को मिली है पिछले एक सप्ताह में। होता क्या है कि जब किसी स्टॉक के क्वार्टर के नंबर आने वाले होते हैं, तो जो इंसाइडर्स होते हैं उनको पता होता है कि कंपनी के नंबर कैसे आने वाले होते हैं। यदि नंबर बुरे आने वाले होते हैं ना, तो इस कंपनी का जो आप देख सकते हैं पहले एक सप्ताह में तकरीबन 6% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है ऊपर की तरफ, यानी ग्रीन ग्रीन वो रेड निशान में दिखाई देता और शायद निगेटिव रिटर्न इसको दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर पिछले एक सप्ताह से अच्छी खासी तेजी देखी जा रही थी, तभी अंदाजा लग गया था कि कंपनी के Q3 के नंबर अच्छे आने वाले हैं। वहीं पर यदि पिछले 6 मंथ में देखेंगे, तो 6 मंथ में तकरीबन 35% के आसपास ये स्टॉक टूटा है। और वहीं पर पिछले यदि एक मंथ की बात करें, तो एक मंथ में आप देखेंगे तकरीबन 4% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 4% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि अभी जो कंपनी के क्वार्टर के नंबर आए हैं, तो उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि आगे और कितना अच्छा इसमें रिटर्न कंपनी निकाल कर दे सकती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्क्रीन के वेबसाइट पर, और स्क्रीनर के वेबसाइट में देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। इसमें बता रहा है कि कंपनी कौन सी काम करती है। ग्लोबल, आपको पता है कंपनी ग्लोबल प्रोवाइडर है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का काम है। बेसिकली हम लोग को कंपनी के Q3 के नंबर कैसे आए हैं उससे मतलब है। तो अभी सीधे हम लोग चलते हैं कंपनी के Q3 के नंबर पर, और इसके बारे में देखते हैं कंपनी के Q3 के नंबर इस बार जो आए हैं कैसे रहे हैं। यदि पहले सेल्स की बात करें, तो टोटल जो सेल्स हुआ है दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में 2,865 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर क्वार्टर में, जिसको Q2 का रिजल्ट कहते हैं, उसमें देखेंगे तो सिर्फ 1,683 करोड़ के आसपास हुआ था। और यदि Q1 की बात करें, तो उसमें 1,481 करोड़ के आसपास हुआ था। यानी कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं, वो हर Q2 to Q1 इंप्रूव हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के फंडामेंटल बेहतर हो रहे हैं और कंपनी आगे की तरफ ग्रो कर रही है। तभी कंपनी के जो सेल्स जो ऑपरेशंस वो काफ़ी अच्छे से कमाल से इसमें दिखाई दे रही है। वहीं पर अब यदि कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, टोटल जो कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हुआ है इस क्वार्टर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट उसको कहते हैं जो टैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार यानी दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ है 544 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी Q2 में सिर्फ 321 करोड़ के आसपास हुआ था, और Q1 में 277 करोड़ के आसपास हुआ था। यानी कि जो प्रॉफिट है, जब कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी की कमाई हो रही है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और वहीं पर यदि अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो अर्निंग पर शेयर में भी शानदार बढ़ोतरी होते हुए Q2 to Q1 दिखा है। ओवरऑल कंपनी के हरेक Q2 to Q1, जब यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के हरेक Q2 to Q1 कंपनी का रिजल्ट बेहतर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होगा। फंडामेंटल मजबूत होगा, तो उसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। और वही कारण है कि आज कल के दिन जैसे मैंने बताया, अभी वहाँ पर आपने देखा कि तेजी आते हुए दिखा है। और यदि इस स्क्रीनर की वेबसाइट पर लंबी अवधि के चार्ट देख रहे हैं आप, साल भर के कंपनी का चार्ट है, यहाँ पर भी देखेंगे तो प्राइस जितना गिरना था गिर गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस धीरे धीरे उठना शुरू हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ से रिकवर कर रहा है, और अब ये प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। अब देखिए, इसके लिए जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला एरिया, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ये जो 50 रुपये के आसपास है। हालांकि अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 30 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। बहुत जल्द अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस, चूँकि रिजल्ट अच्छा है, तो आपको इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपये तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहेगा। और एक बात आपको बताऊँ, तो कंपनी के ऊपर यदि कर्जे की बात करें कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, क्योंकि यदि कर्जा ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि उसकी जो ज़्यादा कमाई होती है डेब्ट को चुकाने में चली जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बोरो हूँ, अंग्रेजी में इसको बोरो कहते हैं, हिंदी में कर्ज कहते हैं, तो देखेंगे कर्जा बिल्कुल नहीं। ये सबसे कमाल की बात है इस स्टॉक में कि ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर बिल्कुल डेब्ट नहीं है। और रिजर्व यानी कि जो फ्री कैश फ्लो होता है, कितना कैश पैसा वो देखेंगे, कंपनी के ऊपर तकरीबन 5,776 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। यानी कि कंपनी यदि बुरे वक्त आता है, तो उसमें कंपनी सस्टेन कर सकती है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है और कर्जा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का पैटर्न है। इसमें जो प्रमोटर्स हैं 18% के आसपास है, जो FII हैं 14% के आसपास हैं, और FII की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस क्वार्टर में कुछ बढ़ते हुए आपको दिखा है, जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा कम था, और ये हर क्वार्टर में देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है जो FII की हिस्सेदारी, काफ़ी कमाल की बात है। और ओवरऑल यदि देखें तो इसमें पब्लिक की तो हिस्सेदारी है ही 66% के आसपास। ओवरऑल यदि बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में कुछ सोचना नहीं। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर यदि आपके पास है, तो आपको इसमें तसल्ली से समय देना है, बने रहना है, और लंबी अवधि के लिए इसको आपको इसमें रणनीति अपना कर चलनी, तब ब्राइटकॉम ग्रुप में आपको मोटा पैसा बनते हुए दिखेगा। उम्मीद करता हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जो बातें मैंने आपको बताया अच्छे से समझ पा रहा हूँ। मन में कोई कन्फ्यूजन है, सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।
पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।